तो दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो बहुत ही ज्यादा खास है आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बता देता हूँ कि एग्जाम जो 22 सितंबर को होने वाली है, आप उस एग्जाम को इजी में ना लें क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। कैसे होगी ये सारी बातें को इस वीडियो में एनालिसिस करके बताऊंगा, तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपके सामने मेरा एक ब्लैंक पेज है, तो यहाँ पर सारी बातों को एनालिसिस करके बताऊंगा और जो भी बताऊंगा वो पूरा अच्छी तरह से मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, पूरी तरह से जो भी डाटा दिखाऊंगा वो सारा डाटा ओरिजिनल 100% सही होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि आप सभी को पता होगा कि टोटल कितना सीट है बिहार बीएड में 2020-22 सेशन में। तो टोटल एक्यूरेट अपडेट कर देंगे, आप वेबसाइट पर अगर विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर टोटल एक्यूरेट बोल रहा है 39,000 समथिंग, ठीक है 39,000 समथिंग आपका सीट है, यानी कि रख लीजिए मैक्सिमम होगा कितना तो 42,000 रख लीजिए, 42,000 टोटल आपका सीट है, यानी कि इतने लोगों का एडमिशन होगा जिसमें आपका प्राइवेट भी और गवर्नमेंट दोनों। अब प्राइवेट इसमें बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट मुश्किल से मुश्किल, गवर्नमेंट का एक्यूरेट डाटा नहीं दिया गया, लेकिन जहां तक मुझे पता है मैं अपने अनुसार अंदाजे के अनुसार मैं बताता हूँ कि मिनिमम आपका 7 से 8 हजार होगा गवर्नमेंट कॉलेज का सीट, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हैं प्राइवेट में कितना ज्यादा है, ठीक है। अब बात रहा दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, टोटल कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो मैं बताता हूँ टोटल 1,42,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 42,000 लोग का सीट है और 1,42,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, यानी कि टोटल 3 लोगों पर 1 लोग का एडमिशन होगा, यानी कि करने का मतलब है कि बीएड करने वाले बहुत अधिक हैं, यहाँ पर 3 गुने लोग हैं और एडमिशन मात्र होगा 3 में 1 लोगों का, यानी कि कंपटीशन आपका हाई है। पिछले साल के अनुसार हर साल यहाँ पे स्टूडेंट है बीएड करने के लिए क्षमता बढ़ता जा रहा है। अब तो दोस्तों पहले गर्ल्स करती थी ज्यादा ज्यादा था, अब बॉयज भी करने लगे हैं, तो इस बार बॉयज का ज्यादा जनसंख्या फॉर्म फिल करने में। अब बात रहा दोस्तों की यहाँ पर आपका एग्जाम दिया जाएगा, तो एग्जाम 22 सितंबर को पक्का कंडक्ट कर किया ही जाएगा, 22 सितंबर को जो डेट है वो आया है। अगर किसी पर कोई परिवर्तन होगा तो यूजीसी के द्वारा आजकल में कुछ नोटिस जारी होने वाली है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। उससे जानने से प्लस तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके या कॉल करके आप बिहार बीएड या डीलेट इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट न्यूज प्राप्त कर सकते हैं। अब तो दोस्तों मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बना दिया है, जहाँ पे बीएड का अलग, डीलेट का अलग, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, जहाँ पे आप अपना नाम, कहाँ से हैं और किस ग्रुप में बीएड में कि डीलेट में जुड़ना चाहते हैं कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसी बीच दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ। फिर तो आप बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम होने के बाद जो आपका कट ऑफ आती है, ठीक है, कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ आपका आती है कैटेगरी के अनुसार। अगर कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और सीट बहुत कम है तो कट ऑफ आपका हाई ले जाएगा, कितना ज्यादा हाई होगा उसके अनुसार आपका वहाँ पे स्टूडेंट को छांटा जाएगा, ठीक है। यानी आपका कहीं भी एग्जाम होती है या कहीं भी आपका एडमिशन होती है, यहाँ पे स्टूडेंट को चुना नहीं जाता है बल्कि स्टूडेंट को छांटा जाता है। छांटने के बाद जो स्टूडेंट बच जाते हैं उनको एडमिशन लिया जाता है या उनको जॉब के लिए रखा जाता है। उस तरह से बीएड के एडमिशन में भी जो लोग, जिनका परसेंटेज कम होगा, जिनका नंबर कम आएगा, उन लोगों को छांटा जाएगा। छांटने के बाद जो सबसे जिनका अच्छा नंबर आएगा उनको कॉलेज दे दिया जाएगा, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार बताता हूँ कि पहले पिछले साल के अनुसार 75% मिनिमम आता था तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग एससी स्ट्रीम आते हैं उनके लिए इस बार जाने वाली है 80%। मेरे ख्याल से जो लोग एससी एसटी में आने वाले हैं, एससी एसटी में हैं, उन लोग का जाएगा 80%। तो सोच लीजिए जनरल का जाएगा कम से कम 82%। अगर आपका नंबर आती है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो ही आपको गवर्नमेंट मिलेगी, उसके बाद आपको हो सके तो उसके उससे कम हो गए तो नहीं मिल पाएगी। अब बात रहा प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो पिछले साल प्राइवेट कॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 30% पर लोग क्वालिफाई होते हैं। ये क्वालिफाई मार्क्स है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, इसके अनुसार आपका कैटेगरी के अनुसार सब अलग अलग बटा होता है, एसटी एसटी वाले के लिए अलग, जनरल के लिए अलग। तो मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ पर एससी एसटी, ठीक है, यहाँ पे जनरल और ओबीसी, ठीक है। ये तो पिछले साल के अनुसार, पिछले दोनों साल के अनुसार आपका एससी एसटी के लिए गया था 36 नंबर, जिन लोग का 36 नंबर आया था वो लोग क्वालिफाई थे, उन लोग को प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल गया होगा। और ओबीसी जनरल के लिए, जनरल के लिए गया था 50 और ओबीसी के गया था 45, ठीक है 45 गया था।
है, तो इस बार SC ST का चल जाएगा मेरे ख्याल से कट ऑफ आपका ये हटकर 40 हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और जनरल OBC का ये कट कर आपका मिनिमम हो जाएगा, जनरल के लिए हो जाएगा आपका 53 नंबर और OBC का हो जाएगा 50 नंबर। दोस्तों तो ये रहा जो आपका जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा है, तो आप लोग का जितना टाइम बचा हुआ है उस अनुसार आप पढ़ाई कीजिए, और किस तरह से कम टाइम में पढ़ाई करना इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कौन सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पहले क्वेश्चन बनाना है, एग्जाम में कैसे तैयार करना है, मैं उस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसका इमेज, आप जाकर उस वीडियो को मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है, जहाँ पे मैंने अपने अनुसार बता चुका हूँ कि कंपटीशन हाई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो ज्यादा ज्यादा, और वीडियो को यार लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ठीक है, और व्हाट्सएप में जाकर मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।